अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल। और मैं सीनिया तारिक, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अपने सब बहन भाइयों की, दोस्तों की खैरियत चाहती हूँ और हमेशा दुआ करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहें। जिस चीज़ को, जिस चीज़ की तलब है, ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपकी पूरी करता रहे। और जी, आज बहुत सारी फरमाइश थी, मेरी बेटी काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रही थी कि मुझे शवरमा बना के नहीं दे रही, हम दूसरी वीडियो लगा लेती हैं। और बस इसी चक्कर में फिर मैंने कहा चले हैं, आज मैं उसकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी सतरंगी शवरमा बनाऊँगी और बारबेक्यू टेस्ट में बनाएंगे। और उसके लिए मैंने, देखें, 3 बड़े कप मैंने ये मैदा ले लिया है। और इसके साथ इस प्लेट में मैंने रखा है ये बेकिंग पाउडर है 1/2 चम्मच, और उतनी ही मैंने ईस्ट ले लिया है। और ये नमक बहुत तेज़ वाला है और ये मैंने 1/2 चम्मच लिया। और ये चीनी है, और क्योंकि ये मोटी वाली चीनी है, ये पानी में हल हो जाएगी, वैसे भी गूंधते गूंधते हल हो जाती है। और जी, इसके साथ मैंने इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। और इसके साथ मैंने ये कलर्स लिए हैं, ये देखिए मेरे पास पाउडर कलर हैं, मैं इनको जो मेरे पास होते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर कलर जेल कलर लें, क्योंकि जेल कलर जो है वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। मेरे पास ये ब्लू वाला जेल कलर है और मैंने इसे, ये पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता, तो तब मैंने इसको लिया था। और ये देखें, मैं इन सब का इस्तेमाल करूँगी। और सबसे पहले मैं ये जो वाइट मैदा है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी एक साथ ही, ठीक है? ये सारा मिक्सचर हमने एक साथ बनाना है, फिर इसकी पार्टीशन करेंगे सूखे की और उसके अंदर कलर मिक्स करते जाएंगे। और जी, ये देखें, मैंने 1, 2 और ऊपर थोड़ा सा 3 चले, मैंने 3 चम्मच डाल लिए। और इसके साथ मैंने ये नीम गर्म पानी रखा हुआ है, इसको पहले मैं सारा मिक्स कर लूँ ताकि इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं अच्छे तरीके से हल हो जाए। जी, ये देखिए, सतरंगी कप भी है मेरे पास कुदरती तौर पे, मैं लेके आई थी मार्केट से, मैंने इसी कप से मैंने इसको नाप लिया। ये देखें, ये मैंने 3 प्लेटें ली हैं, तीनों में मैंने ये 1.5 कप डाल दिया, और ये जो चौथा हिस्सा है वो ये है। और इन सब के अंदर मैं मुख्तलिफ कलर जो हैं ये ऐड कर लूँगी। देखें, मैं इसमें येलो कलर लगा रही हूँ, और एक में मैं ग्रीन लगा लूँगी, और एक में पिंक लगा लूँगी, और एक में ब्लू। और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आने लग गया है। इनको मैं बारी बारी बहुत अच्छा सा गूंद लूँगी डो को। ये देखें जी, मैंने इसको बहुत अच्छा सा गूंद लिया, इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट सा बन गया, ये ज़रा सा भी नीचे नहीं लगा और ना ही ये मेरे हाथों पे लगा है। और इसके लिए देखें, मैंने एक प्लास्टिक का ये कंटेनर डिब्बा लिया है, इधर मैं बारी बारी गूंद के चारों को रख लूँगी, ऊपर इसके दे दूँगी ढक्कन। चलें जी, पीटा ब्रेड का तो मैंने सामान कर लिया है रेडी। ये देखें, चारों मुख्तलिफ कलरों में थोड़ी थोड़ी मैंने स्पेस से दे दिया ताकि जब ये राइस हों तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और ये देखें, इन्होंने मेरे हाथों का क्या हाल कर दिया है। और आप कोशिश करें कि पीटा ब्रेड जो है घर बनाया करें, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादातर बाज़ार से ले लेते हैं, लेकिन अब जो पीटा ब्रेड मार्केट में आ रही हैं बिल्कुल भी वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, साइज़ में भी छोटी कर दी और टेस्ट में भी वो मज़ा नहीं रहा। इसलिए जब हमें भी जल्दी होती है तो हम लोग मंगवा लेते हैं, लेकिन जब कुछ ख़ास बनाना होता है तो फिर हम घर ही बनाते हैं। तो इसको होने देंगे राइस और दूसरी चिकन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने स्टफिंग के लिए छोटा छोटा बोनलेस चिकन जो है वो ले लिया, इसको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। और इसके साथ ये थोड़ा सा लहसुन है, और इसके साथ आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले सकते हैं। मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे, और इसमें मैं ये लहसुन डाल दूँ। देखें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। लहसुन जो है वो थोड़ा पिंक टोन में आ गया, और मैं इसमें चिकन डाल दिया। के अंदर ये देखें प्याली रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी इस तरह स्टीम स्मोक देना होता है तो मैं पकते हुए चिकन को ही देती हूँ, क्योंकि जब हम, चलें जी, ये देखें इतना बड़ा कोयला था, मैंने इसके ऊपर ये ऑयल कर दिया, और अब मैं इसे पकते हुए धुआं दूंगी,
क्योंकि जब ये पक रहा होता है तो इसके साथ ही इसको स्मोक दे दिया जाए तो इसका जो कड़वापन है वो दूर भी हो जाता है। कुछ लोग पकाने के बाद करते हैं तो उससे वो जायका कड़वा कड़वा आता रहता है। जैसे ये धुआं ख़त्म होगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखें जी, चिकन पक रहा है, पानी इसका कम ही रह गया क्योंकि मैंने कोयला जो है वो मैंने निकाल दिया है और ये बहुत छोटा छोटा किया था ताकि ये जल्दी टेंडर हो सके। और ये देखें, साथ में मैंने ये डो माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइस हो गई है और मैंने इसके पेड़े बना लिए और साथ में इसकी रोटियां बना बना के रख रही हूँ क्योंकि मुझे उसको थोड़ी सी स्पेस देनी है। ये देखें रंग बिरंगी सी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, पिंक भी है, नीली भी है, ग्रीन भी है और ये येलो है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखें मैं इस तरह पेड़ा बना के, ये तो सभी को पता होता है कि पेड़े से रोटी बनती है। ये देखें इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। चिकन बिल्कुल रेडी होने वाला है और दूसरी साइड पर जो मैंने ये देखे रोटियाँ बेल के रखी हुई हैं उनको मैंने ये तवा ग्रीस कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ऑयल के साथ। और ये देखें मैं ये डाल दिया मैंने, बस इसको बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल मीडियम टू स्लो, बिल्कुल जैसे हम चावलों का दम लगाते हैं इस तरह मैं इसको पकने दूंगी। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर भी इस तरह से ग्रीस कर दूंगी ऑयल से और इसे पकने दूंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखें बबल्स आ रहे हैं और मैं इसको भी पलटूंगी नहीं, बिल्कुल मीडियम आँच पर ताकि देखें ये फ्लफ़ी भी हो रहा है। और इधर देखें ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए इस प्लेट में डाल रही हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी कि ये ठंडा हो जाए। और इसके साथ हमने स्टफिंग भी तैयार कर लिया है। चलें जी, पलटने की बारी आ गई है। ये देखें इसको मैं पलट दूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी पकाई हो रही है, चारों तरफ से देखें पक रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसके साथ ये देखें हमने शवारमा के स्टफिंग के लिए बंद गोभी ले लिया, खीरा ले लिया और ये हमने गोल गोल प्याज काट लिए हैं। और अब हम बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए देखें मैंने छोटे छोटे तीन जवे थे वो ले लिए, एक रश चिली ले ली मैंने और इसके साथ मैं डाल दूँगी मायोनीज़ इसी के अंदर। चलें जी, ये मैंने मायोनीज़ ले ली और ये सिंपल ये देखें टमाटो केचप है, ये आप जितने ले सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक चिली है तो आप गार्लिक ना डालिए। ये लें जी, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी क्योंकि इन सब में साल्ट होता है ये टमाटो केचप में। और मज़ीद चेक कर लेते हैं, ये और नमक भी मैं थोड़ी सी काली डाल रही हूँ क्योंकि मैंने डरते डरते डाली है कि तेज़ नहीं हो जाए, लेकिन शवारमों में थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी रेडी। और ये देखें चिकन भी रेडी है, सॉस भी रेडी है, जो हमने ये ब्रेड पीटा ब्रेड डाली थी वो भी माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त पक के तैयार होगी ये। वो और वो देखें, ये मैंने बना के इधर ही रखती जा रही हूँ। ये देखें नीचे भी नीली पीली आपको नज़र आ रही हैं। और अब मैं फिर तवे को थोड़ा सा इस तरह करके ग्रीस कर दूंगी। और जी इसको मैं देखें जुड़ गई है इस तरह, बिल्कुल ज़ीरो की आंच पे पकने दूंगी। उसको भी मैंने थोड़ा टाइम दिया, लेकिन देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी पीटा ब्रेड। इसी तरह ये सारी बनती जा रही हैं और हम सिलसिला करते हैं इनको स्टफिंग करने का। मैं ब्रेड रेडी हो गया, मैं उसको मैंने रख लिया और इसके ऊपर मैं ये सॉस लगा दूंगी। ये स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा थिक थिन कर सकते हैं क्योंकि जितनी आपकी पसंद है उसी तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया और अब चिकन डाल दूंगी। इसके साथ ही ये देखिए बंद गोभी और इसके ऊपर ये देखें प्याज हैं जो गोल गोल काटे हुए थे हमने रिंग में। ये खीरे हैं इसके साथ लंबे वाले। तो ये देखें इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी।
ये देखें जी, इस तरह मैं दूसरे भी सारे स्टफ़ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ जी। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, रंग बिरंगे सतरंगी बीबीक्यू शवारमा। और आज मेरी बेटी की फरमाइश भी पूरी हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से कह रही थी। और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत आसान है, आप भी बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। मुझे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ अभी 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें हौसला होता है आपके एक सब्सक्राइब करने से। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।